एमपी के सीएम मोहन यादव ने तोड़ी शिवराज सिंह चौहान की ये परंपरा, कहा राष्ट्रीय गान से बढ़कर नहीं मध्य प्रदेश का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश गान वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 8 जुलाई को एक अध्यादेश जारी करके सभी शासकीय आयोजनों और स्कूल कॉलेजों में मध्य प्रदेश गान को गाना अनिवार्य कर दिया था। उस समय मध्य प्रदेश के गान पर एमपी के राजनीतिक दल और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश गान को अनिवार्य बनाए जाने के फैसले पर सवाल उठाए थे। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लंबे समय से चली आ रही परंपरा को तोड़ दिया है। दरअसल तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में सभी शासकीय कार्यक्रमों की शुरुआत मध्य प्रदेश गान के साथ होती थी और उसमें सभी लोग खड़े होकर मध्य प्रदेश गान करते थे। लेकिन गुरुवार को रविन्द्र भवन में मध्य प्रदेश राज्य सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने तथा उनकी उन्मुखीकरण कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव पहुंचे और जैसे ही मंच से अनाउंस किया गया कि मध्य प्रदेश गान होगा जिसके ये सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाए, तब मंच पर कुर्सी पर बैठे मोहन यादव ने उद्घोषिका को इशारे से कहा कि खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठे रहे। इसके बाद मध्य प्रदेश गान हुआ और सभी लोगों ने बैठकर उसको सुना। सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के समय ही खड़े रहना चाहिए, वो हमारे सबके लिए आदर है, लेकिन एक परंपरा बन गई है। जैसा हमारा मध्य प्रदेश गान बना, अच्छी बात है। कोई विश्वविद्यालय गान बनाता है, कोई कॉलेज गान बनाता है, कोई अलग संस्थान अपना गान बनाएगी और फिर वह अपने नियम बनाने लगेंगे कि हमारे गान को भी राष्ट्रगान की तरह खड़े होकर सुना जाए। यह क्या बात हुई, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के आधार पर दूसरों को तो बराबर नहीं कर सकते ना। वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 8 जुलाई को एक अध्यादेश जारी करके सभी शासकीय आयोजनों और स्कूल कॉलेजेस में मध्य प्रदेश गान को गाना अनिवार्य कर दिया था। उस समय मध्य प्रदेश के गान पर एमपी के राजनीतिक दल और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश गान को अनिवार्य बनाए जाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जब राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत गाए जाते हैं तो फिर अलग से मध्य प्रदेश गान की क्या जरूरत है। वहीं सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश गान राज्य की संस्कृति के बारे में, इसलिए इसे गाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।